इसे तो फाइनल माना जाए ना महेश। देखिए यूजीसी की तरफ से सिफारिशें की जाती है यूनिवर्सिटीज को, और ऑटोनोमस बॉडी होती है यूनिवर्सिटीज, और उनको अपने डिसीजन खुद लेने होते हैं। तो उन सिफारिशों को हालांकि मैंडेटरी किया जाता है, बट रूप में स्वीकार करेंगे और किस तरह से इसमें कोई रास्ता निकाला जाता है, क्योंकि भी एक दिन पहले ही ये डिसीजन लिया गया और वापस से इसी डिसीजन को एक तरह से स्थगित कर दिया जाएगा और नया डिसीजन दोबारा से लिया जाएगा कि अब एग्जाम कराने होंगे। हालांकि अभी जो ऑप्शन दिए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन का, तो मेरे ख्याल से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए छात्रों को। देखिए ऑनलाइन तो एग्जाम अभी पॉसिबल नहीं है, जिस तरह से राज्य की स्थिति देखते हैं तो रिमोट एरियाज में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके पास में कनेक्शन नहीं है, मोबाइल नहीं है, लैपटॉप की व्यवस्थाएं नहीं है, तो ऑनलाइन तो किसी हाल में पॉसिबल नहीं है। इस पर भी कवायद कर ली गई थी। ऑफलाइन की जहां तक बात रहती है, दसवीं और बारहवीं के एग्जाम कराए गए थे और इसी आधार पे कहा जा रहा था कि यूनिवर्सिटीज को भी अपने एग्जाम कराने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का कहना था कि बाहरी सभी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने भी प्रमोट किया। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। क्या समस्या अब यूजीसी के इस फैसले के बाद, इस गाइडलाइन के बाद? थैंक यू साहब। इसमें क्या है कि यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की है, एनएसयूआई ने तो पूरे देश के अंदर पहले ही बिना परीक्षा प्रमोट को लेकर आंदोलन चलाया था, पूरे देश के अंदर हमारा आंदोलन चल रहा था और राजस्थान सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूरी इस समस्या को देखते हुए छात्र की और सभी को प्रमोट किया, सभी क्लासों को। लेकिन जो यूजीसी ने गाइडलाइन कल जारी की है उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन और असेसमेंट शायद ब्रांडेड का जो उन्होंने रखा है कि इस प्रकार से एग्जाम हो सकते हैं, लेकिन अभी जो कोरोना पीक के अंदर है, आज तीसरे नंबर पर पूरा देश आ चुका है कोरोना के अंदर, तो केंद्र की सरकार ने इस समय जो ये निर्णय लिया है वो बिल्कुल छात्र विरोध के निर्णय लिया है, छात्र विरोधी निर्णय लिया है और एनएसयूआई इसका विरोध लगातार जारी रखेगी आगे भी। चाहे हमें दिल्ली को भी बार बार एमएसआरडी कार्यालय को बार बार घेराव एनएसयूआई के द्वारा किया गया था, लेकिन ये बिल्कुल एनएसयूआई इस केंद्र सरकार की इस नीति को खिलाफ है, क्योंकि जब छात्र दूसरे राज्यों के हैं, आज महाराष्ट्र का छात्र राजस्थान में पढ़ता है, राजस्थान का छात्र महाराष्ट्र के अंदर पढ़ रहा है, तो इस स्थिति में कैसे एग्जाम देंगे वो, और जबकि करोड़ों की संख्या में पूरे देश के अंदर छात्र है। जो फाइनल ईयर के और जो है उसमें कम से कम 1 करोड़ के लगभग छात्र, इससे ज्यादा छात्र संख्या वो करोड़ों की संख्या में है, कैसे एग्जाम दिलाएगी केंद्र सरकार? तो ये जो पूरा जो जारी किया है यूजीसी ने, इसका पूरा विरोध एनएसयूआई संगठन कर रहा है और आगे भी हमारा विरोध जारी रहेगा, पहले भी किया था और आगे भी करेंगे।